रहस्य और रोमांच से भरी एक छोटी सी कहानी। कोहरे में खो गया एक छोटे से कस्बे के पास से कई वर्षों पहले एक रेलवे लाइन गुजरती थी। करीब 70 वर्ष पहले उस पटरी पर हर दिन ही 2 या 3 रेलगाड़ियां दौड़ा करती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उस पटरी का प्रयोग बंद हो गया था। आधुनिक रेलगाड़ियों के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर एक ज्यादा चौड़ी पटरी बिछा दी गई थी। अब पुरानी पटरियों पर अक्सर लोग बैठे धूप का मजा लेते थे सर्दियों के दिनों में। एक करीब 70-80 बरस का बूढ़ा उस पुरानी पटरी पर अकेला बैठा था। तभी एक लड़का आया और उसकी बगल में ही उस पटरी पर बैठ गया। उस बूढ़े ने एक नजर उस लड़के को देखा और फिर दूर कहीं देखने लगा। ठंड के कारण चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, पर बीच बीच में सूरज भी दिख जाता था। उस बूढ़े ने अपनी नजरें दूर किसी चीज पर टिकाए हुए कहा, मैं 7 साल पहले अपने घर से भाग गया था, ठीक वैसे ही जैसे तुम आज घर से भाग रहे हो। मैंने घर से भागने के बाद एक के बाद एक कई रेलगाड़ियां पकड़ी और कई शहरों में गया। मैंने बहुत सी जगहें देखी और जितने पैसे मैं घर से चुराकर भागा था वो सब कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। फिर एक दिन भूख के कारण मैं बहुत निढाल हो गया था, मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं थी। उस दिन मेरा पांव रेल की पटरियों पर चलते हुए फिसल गया और मैं 2 पटरियों के बीच गिर गया। तभी एक रेलगाड़ी आई और उसके बड़े बड़े पहिए मेरे शरीर के कई टुकड़े कर चले गए। उस बूढ़े की तरफ देखकर वह लड़का हंसने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो? तभी अचानक वो बूढ़ा गायब हो गया, जैसे कि घने कोहरे में खो गया। लड़के को उस ठंड में भी पसीना आने लगा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। वो रात होने से पहले घर वापस पहुंच जाना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया।